सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीहाइव्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फन दे हैड, आनंद जो वे लेते थे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इन द फ्यूचर, यह कहानी भविष्य के उस समय की है व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जब पुस्तकें वे विद्यालय जिनसे हम आज परिचित हैं संभवतया अस्तित्व में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे जो आपको यह आरेख दिया गया है यह आपको कुछ बोध करा सकता है। तो इन फ्यूचर जब बुक्स और स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के जरिए पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, रोबोटिक टीचर, जैसे आज टीचर हैं मानव वैसे नहीं बल्कि रोबोटिक टीचर होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, आजकल बुक्स हुआ करती हैं लेकिन इन फ्यूचर बुक्स नहीं होंगी बल्कि मूविंग ई टेक्स्ट हुआ करेंगे। इन पेयर डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, अपने सहपाठियों के साथ जोड़े बनाकर उन तीन बातों पर चर्चा कीजिए जो आपके विद्यालय में आपको सर्वाधिक अच्छी लगती हैं। एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और अपने विद्यालय की तीन ऐसी बातों पर चर्चा कीजिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। राइट देम डाउन, और उन्हें लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब पुस्तकें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी पुस्तक कागज़ पर नहीं छापी जाएंगी। वुड यू लाइक सच स्कूल्स बेटर, क्या आप इस प्रकार की पुस्तकों को अधिक पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर का चैप्टर दिया गया है, जब बुक्स नहीं होती हैं और स्कूल्स भी नहीं होते हैं और बच्चे घर पर ही बैठकर कंप्यूटर या रोबोटिक टीचर के माध्यम से स्टडी करते हैं, तो ऐसे बच्चों की आपको यहाँ पर बातें जो हैं इस चैप्टर में बताई गई हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं, मार्जी एंड टॉमी, इन दोनों बच्चों के मध्य क्या बातें हो रही हैं, ये दोनों बच्चे फ्यूचर के हैं और ये दोनों क्या बातें करते हैं, आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 की तारीख के शीर्षक वाले पन्ने पर शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। तो 2157 के बच्चों की यहाँ पर आपको बात बताई गई है, और उन बच्चों को वास्तविक किताब, जैसा कि आपके पास होती हैं ऐसी किताब उन बच्चों को मिल गई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी, अर्थात टॉमी को जो पुस्तक मिली वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने टोल्ड हिम दैट, उन्हें बताया था कि देर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, कि एक बार ऐसा भी समय था जब समस्त कहानियाँ पन्नों पर या पेपर पर छापी जाती थीं। तो मार्जी को याद आई बात कि उनके दादाजी ने उनको बताया कि उनके दादाजी ने, मतलब मार्जी के दादाजी ने उनको एक बार बताया था कि एक ऐसा समय था जब कहानियाँ पन्नों पर छपी जाती थी। दे टर्न द पेजेज, जो पुस्तक उन्हें मिली थी उन्होंने उसके पन्नों को पलटा। विच वर येलो
एंड क्रिंकली, जो पीले रंग की थी और उसके पन्ने मुड़े तुड़े से हो गए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन। और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक अजीब लग रहा था जो गति करने की बजाय स्थिर थे, जबकि उनसे एक पर्दे पर गति करना अपेक्षित था। यू नो, जैसा आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस पलटा, इट हैड द सेम वर्ड, तो उस पन्ने पर वही शब्द थे दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार उन्होंने इसे पढ़ा था। तो जब वो पुस्तक उन्हें मिली और उस पुस्तक को उन बच्चों ने देखा, तो वो इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उस पुस्तक पर जो शब्द थे वो मूविंग करने की बजाय, अर्थात गति करने की बजाय स्थिर थे, चल नहीं रहे थे। और जब उन्होंने पहले पन्ने को, जो पहला पन्ना उन्होंने पढ़ा था, उस पन्ने को जब उन्होंने वापस से पलट कर देखा, तो वो सारे शब्द उन्हें वैसे ही उस पन्ने पर लिखे हुए दिखाई दिए जैसा कि उन्होंने पहले देखे थे। और इस चीज़ को देखकर वो दोनों बच्चे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि वो बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ते थे और कंप्यूटर पर उनको चलने वाले शब्द दिखाई देते थे, कभी उन्होंने पुस्तकों को देखा नहीं था, इसलिए दोनों बच्चे बड़े आश्चर्यचकित थे। गी, अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या फिजूल खर्ची है, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे तो बस आप इसे फेंक देंगे। आई गैस, मेरा तो यही अनुमान है। तो टॉमी कह रहा है कि ऐसी पुस्तक जो कागज़ पर छपी हुई है, जब कोई इसे पूरा पढ़ लेता है तो इसे फेंक देता होगा। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टीवी स्क्रीन पर 10 लाख किताबें तो होंगी ही। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह और भी अधिक किताबों हेतु उपयुक्त है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। तो टॉमी कह रहा है कि यह पुस्तक जो उन्हें मिली है उसको पढ़ने के बाद लोग फेंक देते हैं, लेकिन हमारी जो ये टेलीविज़न स्क्रीन है, इस पर एक नहीं बल्कि लाखों किताबें हैं और उससे भी अधिक हो सकती हैं, और हम इसे कभी नहीं फेंकते हैं। सेम विद माइन, मेरा भी यही विचार है। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा, शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टेलीबुक्स को नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देखा। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, तो टॉमी कह रहा है कि मुझे यह मेरे घर से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए इशारा किया, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है। स्कूल्स, तो टॉमी ने आंसर दिया, स्कूल के बारे में। तो मार्जी ने पूछा कि जो पुस्तक तुम्हें मिली है यह पुस्तक किसके बारे में है, तो टॉमी आंसर दे रहा है कि यह पुस्तक स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी का मन घृणा से भर गया। स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी प्राय स्कूल से घृणा करती थी, बट हाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, किंतु अब वह स्कूल से पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसके यांत्रिक शिक्षक ने उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुल्ली, और वह उनको तब तक बद से बदतर हल कर रही थी जब तक कि उसकी माँ ने
दुख पूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलवाया। अब उसकी माँ ने मार्जी की परफॉर्मेंस जैसे ही बद से बदतर होती जा रही थी तो उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटे कद का आदमी था तथा डायलों व तारों सहित औजारों का एक पूरा बक्सा उसके साथ था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी की ओर मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट और फिर उसने उस अध्यापक को खोल दिया, अर्थात उन बच्चों का जो टीचर था वह कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए जो काउंटी इंस्पेक्टर जो आए थे उन्होंने उनके अध्यापक अर्थात कंप्यूटर को खोल दिया था। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी उम्मीद कर रही थी कि वह उसे दोबारा जोड़ना नहीं जानता होगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह उसे अच्छी तरह से जानता था, अर्थात मार्जी उम्मीद कर रही थी कि इसने कंप्यूटर खोल तो दिया है लेकिन वह इस कंप्यूटर को दोबारा नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन वह उसे जोड़ना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग एक घंटे बाद देयर इट वॉज अगेन, उसने उसे पुनः जोड़ दिया। लार्ज जो कि बहुत बड़ा था, ब्लैक काला था एंड अगली और भद्दा सा था, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिस पर सभी पाठ प्रदर्शित किए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। एंड वाजेंट सो बैड, वह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो कह रहा है कि वह एक स्लॉट अर्थात छिद्र जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि वहाँ उसे अपने गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज सिक्स ईयर्स ओल्ड। उसे उनको हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था और उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिक अध्यापक पल भर में अंकों की गणना कर देता था। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर के दो बच्चों की कहानी बताई जा रही है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।